Assalamualaikum Pakistan, कैसे हैं आप लोग? मंडे मॉर्निंग, ब्यूटीफुल डे. मैं इतना आप लोगों को याद कर रही थी पूरा वीकेंड. वाकई में मैं सोच रही थी कि कहाँ है, क्या हो रहा है, पता नहीं मेरे फैंस को क्या हो रहा है. एनीवे, आपके लेटर्स आते रहे हैं, आई हैव बीन रीडिंग देम. मैं इतनी खुश होती हूँ, इतनी खुशी होती हूँ हर खत पढ़ के. तो आज हमारे साथ एक बहुत अच्छी गेस्ट है, लेकिन इनकी इंट्रोडक्शन करने से पहले आई जस्ट हैव टू टेल यू गाइस, थैंक यू सो मच. आप लोग ने इतना मेरे साथ स्टिक किया है. आई नो आप लोग इतना वेट कर रहे थे, ईमेल्स भी आ रही हैं, क्वेश्चंस भी आ रही हैं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी गेस्ट आ गई हैं. आज हमारी मिस मीरा जी आई हुई हैं. शी इज जस्ट ऑफ द सेट ऑफ हर न्यू मूवी. अब हम थोड़ी गपशप करेंगे, देखेंगे कि आज मिस मीरा जी ने क्या क्या कमाल का मूवी उन्होंने बनाया होगा. तो आप लोग मेरे साथ वेलकम कीजिए मिस मीरा जी को. हाय राबिया, इट इज सो नाइस टू फाइनली बी हियर. आई नो योर पीपल हैव बीन कॉलिंग माय एजेंट फॉर सो लॉन्ग, एंड इट्स जस्ट बीन यू नो अ क्रेजी हेक्टिक स्केड्यूल, बट at last I'm here, and you know I'm so happy to be here. Oh, we're so happy to have you, Miss Meera ji. Aap bataiye, aap itni busy rahi hain, itne dafa humne calls ki hain, letters bheje, faxes bheje ki kab aayenge hamare show pe. Ab aap bataye, ab aap aa gayi hain to aap kar kya rahi hain, aapne kiya kya hai jo aap itni busy rahi hain? Actually hum log ek nayi movie shoot kar rahe hain. Ye बॉलीवुड और लॉलीवुड को हम लोगों ने कंबाइन करके एक जॉइंट एफर्ट बनाया था, और ये मूवी एक्चुअली हमारे नाम क्या लॉलीवुड है नहीं, हम दोनों का यू नो एक डिफरेंट आइडेंटिटी है. आप कंबाइन तो कर नहीं सकते हैं, यू नो लाइक पाकिस्तान की अलग आइडेंटिटी, इंडिया की अलग आइडेंटिटी, मगर प्रोडक्शन हम लोगों ने मिल के की थी इस मूवी की, और ये मूवी बहुत अच्छा काम करेगी. इसके पैसे जो इस मूवी से आएंगे, ये मैं इसके कोई मैंने इसका फीस नहीं ली अपनी तरफ से. मैंने ये एज एन एक्ट्रेस काम किया था अपनी एक्टिंग को फॉरवर्ड करने के लिए, और यू नो मैंने कहा अगर मैं फीस नहीं लूंगी, जो पैसे इस मूवी से आएंगे बच्चों की हेल्प करेंगे पाकिस्तान के. अच्छा. और बस मेरा इस मूवी बनाने का यही गोल था. अब देखिए व्यूअर्स, हमारी कितनी अच्छी मिस मीरा जी हैं, उन्होंने इस फिल्म के अब मेरी ड्यूटी बनती थी. अब मुझे इतना प्यार करते हैं फैन सारे मेरे, मुझे रोज लेटर्स आते हैं इनके. अब लाइक मैं इनके लिए इतना भी नहीं कर सकती थी, यू नो कोई बात नहीं. तो मिस मीरा जी, अब आप हमें ये बताइए कि एक तो हम मूवी आई एम श्योर बहुत अच्छी है, आपकी तो हर फिल्म इतनी अच्छी होती है. आपका तो वो वाला फिल्म मुझे इतना पसंद आया था, कुछ कुछ होता है, बहुत अच्छी फिल्म थी. लेकिन आप हमें एक ये चीज बताइए कि इस दफा इन अब एक पाकिस्तानी एक्टर्स होते हैं, इंडियन एक्टर्स होते हैं, मतलब एक ही जबान है, मुल्क एक ही होती थी एक वक्त को, और ये सारी चीज़ें सेम होती थी, लेकिन इतनी डिफरेंसेस हैं, और इतना टेंशन भी है, पॉलिटिकल तरफ से भी टेंशन है, थोड़ी कल्चरल भी टेंशन है, रिलीजियस टेंशन है. तो आप हमें बताएं कि कैसा था, हाउ वाज इट वर्किंग विद दीज इंडियन एक्टर्स जो काफ़ी बहुत टैलेंटेड होते हैं, वेरी टैलेंटेड. मुझे लोगों के बारे में बुरी बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उस तरह की चीप एक्ट्रेस नहीं हूँ रीमा, मगर मगर मजाक कर रही थी, मगर रीमा आई लव यू, मगर यू नो थोड़ी टेंशन थी, पॉलिटिकल रिलीजियस टेंशन, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ. मगर उन्होंने उर्मिला को हायर किया था इस मूवी में मेरे साथ प्ले करने के लिए, और पहले में हमारे थोड़े डिफरेंसेस थे, छोटी छोटी यू नो फाइट्स होती थी, मगर एंड में प्रोडक्शन अच्छी बनी. थोड़ी टेंशन थी. फाइट्स आप कह रही हैं, ये कैसे फाइट्स थे? अब बस मैं क्या करूँ, कहूँ मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहती हूँ, मगर आप सब जानते ही हैं कि मेरा बड़ा अलग सा एक स्टाइल होता है जिस तरह मैं एक्टिंग अपनी करती हूँ. मैंने अपने आप को बड़ा डिस्टिंग्विश किया है दूसरी पाकिस्तानी एक्ट्रेस से, और मैं इसी तरह मैंने अपने आप को डिस्टिंग्विश करके मैं टॉप पे आई हूँ, और इसी तरह मुझे बॉलीवुड में रोल्स मिले हैं, मुझे हॉलीवुड से ऑफर्स आ रही हैं, और मैं मेरा अपना स्टाइल है, मैं बहुत यूज करती हूँ. ऑफर्स आ रही हैं? हाँ, बस अभी कुछ ऑफिशियल नहीं हुआ, मगर ऑफर्स तो काफ़ी आई हैं, अभी मेरे एजेंट्स बातें कर रहे हैं,
जो टेंशन इस मूवी के सेट पे थोड़ी सी हुई थी वो उर्मिला को थोड़ा आई गेस मैंने थोड़े एक दो सीन्स किए थे उसको बहुत पसंद आए थे और मुझे कुछ लगा उस सीन्स में उसने कुछ मेरी लाइंस जो थी उनको थोड़ा यूज किया और मेरे डायलॉग को तो उसकी टेंशन थी मगर मैंने माफ कर दिया. अब मैं भी क्या कर सकती हूँ, मेरे इतने अच्छे ही रोल इतना अच्छा रोल था यार, इतने अच्छे डायलॉग थे, मैं थोड़ा सा तो शेयर कर सकती हूँ. तो उर्मिला जी अगर अगर अभी उर्मिला जी आपको सुन रही होंगी आके आप मतलब आप अपनी जो आप एक एक्टर की तो एक जॉब मतलब समझे कि जब आप अपनी सेट पे होती हैं तो आपका एक जॉब होता है. मतलब जैसे हमारा ये अपना शो एक जॉब है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई इवन जो हमारी घर में रहने वाली हाउस वाइव्स हैं और मदर्स, उन सबका एक एक जॉब होता है. तो समझे कि आप जब आप अपनी सेट पे होती हैं तो आपका एक जॉब होता है. तो समझें कि उर्मिला जी आपको अभी अभी सुन रही है कि आप ये बातें कर रही हैं कि कोई टेंशन हुए हैं, कोई प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो वो देख के क्या सोचेंगी? व्हाट डू यू थिंक शी इज थिंकिंग वॉचिंग यू फ्रॉम अ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू? मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, मगर मैं इंजीनियर नहीं हूँ ना तो मैं कोई डॉक्टर हूँ, हाउसवाइफ तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, तो दिख रहा है मगर मतलब लेकिन दिन तो आएगा एक दिन, हम सबको ही तो बनना है. मुझे प्रपोजल्स काफी आई हैं मगर मुझे अब बस मेरी पर्सनल लाइफ है उसको थोड़ा हम लोग डिस्कस. इसका मतलब है कि कोई तो होगा मिस मीरा की लाइफ में, बताइए ना प्लीज. मैं इसे डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, ये मेरी पर्सनल लाइफ है. हम लोग अगले सवाल पे कर सकते हैं. हाँ चलो श्योर, लेकिन आपने अब मैंने आपको आपको पकड़ लिया, अब आपको बात करना ही पड़ेगा. चलो अभी के लिए हम लोग चेंज करते हैं, लेकिन व्यूअर्स आप लोग याद रखिएगा कि मिस मीरा जी ने कोई तो बात की है अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, हम सब पता करेंगे. अच्छा चलो ठीक है, अभी तो आप कुछ और बताइए कि अब तो आपने अपना प्रोजेक्ट रैप अप कर लिया है, आपका मूवी अब खत्म हो गया है, अब आप क्या कर रही हैं? आर यू टेकिंग अ ब्रेक? आर यू व्हाट आर यू डूइंग? अभी तो हम लोग प्रेस रिलीजेस कर रहे हैं. आई एम सॉरी, क्या प्रेस रिलीजेस? अच्छा प्रेस रिलीजेस, प्रेस रिलीज. हाँ, और हम लोग अमेरिका और यूके गए हैं इनके लिए, और अभी तो बस मैं प्रोजेक्ट के जो पैसे शैसे आएंगे जो मूवी रिलीज होगी यहाँ पे उसके पैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाकी चैरिटीज. जैसे मैंने आपको बताया है मैंने इस मूवी के लिए कोई कट नहीं लिया. बाकी एक्टर्स के बारे में मैं नहीं जानती हूँ, मगर मैंने पर्सनली मैं पाकिस्तान से बहुत अटैच्ड हूँ और ये हम लोगों ने मूवी पाकिस्तान के बच्चों के बारे में बनाई थी जो गरीब जगहों पे ग्रो अप करते हैं. मैंने ये मूवी उनकी चैरिटीज के लिए बनाई थी और फिर हम लोग यू नो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसके बाद. वैसे मिस मीरा जी ये आपकी बहुत अच्छी बात है यहाँ रह के, कभी हम लोग हमारे लिए इतना नॉर्म बन जाता है. मतलब मैं अक्सर देखती हूँ कि लोगों के लिए जैसे गाड़ियों में फिर रहे होते हैं ये नहीं कि देखें कि लोग हैं, मतलब इतने यूज टू हो जाते हैं जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं और शीशे पे यू नो देयर नॉकिंग एंड आस्किंग फॉर मनी. हम लोग कितने मतलब हम लोग तो हमारा बचपन ही ऐसा रहा है ना कि गाड़ी में अच्छा अच्छा चलो भाई जाओ तुम जाओ. मतलब हम लोग कभी सोचते नहीं हैं, दर्द नहीं लेते. मतलब ये आपके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए कि आपने सोचा है इन लोगों के बारे में, आपने अपना कट भी डोनेट किया है. तो आप ये बताएं कि मतलब व्यूअर्स बताने के लिए थोड़ी उनकी इंकरेजमेंट करने के लिए कि वो भी इस तरह का काम करें, आप हमें बताएं कि आपने कौन सी चैरिटी को को मतलब सपोर्ट किया है अपने इस रोल से? वही जो इस्लामाबाद में जो चैरिटी है जो बेस उसका नाम मुझे याद नहीं है, मैं मेरा एजेंट हैंडल करता है, मगर अभी हम लोग मैं आपसे पूछ सकती हूँ ब्रेक के दरमियान. और अभी एजेंट साहब है वो एजेंट साहब है वो पेश हमें टॉयलेट गए, वो ब्रेक में आके उनसे मैं पूछ लूंगी. अच्छा, टॉयलेट गए, चलो ठीक है. तो हाँ हम लोग जरूर जाएंगे, आप परेशान ना हो, उनको चैरिटी को पैसे मिल जाएंगे. चलो कितनी अच्छी बात है. अभी व्यूअर्स आप लोग अभी हमारे साथ रहिए, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है मिस मीरा जी के साथ, थोड़ा क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे. आप सबने इतने हजारों ईमेल्स भेजे हैं, हजारों क्वेश्चंस भेजे हैं कि मिस मीरा जी से भाई क्या पूछना है, हाउ डू यू वांट टू गेट टू नो हर. तो अब इंशाल्लाह आप लोग बस थोड़े मिनट्स रह के वेट कीजिए और हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे. वापस आइएगा मॉर्निंग्स विद हिबा.